बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? घर पर रहे, महफूज रहे जी, और दारुल उलूम ऑनलाइन सिस्टम से इस्तेफादा करें। स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे आपको आने वाली वीडियोस बर वक्त मिलती रहेंगी। जी, कर चुके हैं आप सब्सक्राइब। नेक्स्ट, हम आज यहाँ पर मौजूद है लेक्चर नंबर 14 और आपका बच्चों सिलेबस है सबक नंबर 2, उसका तफसीली सवाल नंबर 2 में से ही MCQs है और शॉर्ट क्वेश्चंस है जी। IAS का ये सॉल्विंग शीट है, बोर्ड पर मैं ऑलरेडी आपको फर्स्ट क्वेश्चन राइट कर चुकी हूँ, मैं बोर्ड की जानिब चलती हूँ। 4 मार्क्स का है स्टूडेंट्स ये। नंबर 1 फराखी, ये आपकी शीट में मिस्टेक हुई हुई है, तो ये लफ्ज फराखी है। फराखी और फरावानी उन लोगों का मुकदर है जो मुजाहरा करते हैं। दिए गए ऑप्शंस अलिफ सबर का, बे शुक्रगुजारी का, जीम हिम्मत का, दाल हौसले का। एग्जैक्ट ऑप्शन क्या है? शुक्रगुजारी का। यानी जो फराखी और फरावानी, ये फराखी और फरावानी यानी जब उनके पास दौलत पैसे की ढेर पेल होती है फिर भी वो मुजाहरा करते हैं शुक्रगुजारी का, तो उन लोगों का मुकद्दर होती है। नंबर 2, अल्लाह चाहता है कि उस बंदे की उसकी डैश करे और उसका शुक्र करें। अलिफ सबर, बी हिम्मत, जी इबादत, दाल शुक्र। अल्लाह चाहता है कि उसके बंदे उसकी इबादत करें और उसका शुक्र अदा करें। एग्जैक्ट ऑप्शन क्या है? इबादत। नंबर 3, अल्लाह की नियमतों का सच्चे दिल से एतराफ ही हकीकी डैश है। दिए गए ऑप्शंस शुक्र, सबर, तकलीफ, इबादत। जी, एग्जैक्ट ऑप्शन है शुक्र, यानी अल्लाह की नेमतों का सच्चे दिल से एतराफ ही हकीकी शुक्र है। लास्ट MCQs शुक्र ईमान की डैश है। दिए गए ऑप्शंस असल, हकीकत, राज, अकीदत। ये बच्चों आपकी किताब की रीडिंग में से नहीं है, ये आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। शुक्र ईमान की असल है, यानी ईमान असल में क्या है? शुक्र ही करना है अल्लाह ताला की नेमतों में, यानी जो भी अल्लाह ताला आपको दे हर हाल में शुक्र अदा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं, वो है मुख्तसर सवालात। ये 6 मार्क्स में है, हर शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपका 2 मार्क का है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों तफसीली सवाल नंबर 2 में से बने हैं सबक नंबर 2 में। पहला क्वेश्चन है शुक्र का मफहूम बयान करो। इसका एग्जैक्ट आंसर ये पेज नंबर 70 पर आपको मिल जाएगा। अल्लाह ताला की तारीफ की जाए, उसकी इनायात का एतराफ किया जाए और उसके एहसानात पर सजदा शुक्र बजा लाया जाए। नेक्स्ट है जी, शुक्र के बारे में एक आयत और हदीस का तर्जमा लिखें। आयत तो आप जानते हैं, ये आपकी किताब में लिखी हुई है, शुक्र के बारे में आयत है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो तुम्हें और ज्यादा दिया जाएगा। अब हदीस, हदीस आपकी किताब में नहीं है, वो मैं आपको बता रही हूं। हदीस है मुस्लिम की, अल्लाह अपने बंदे से खुश होता है जब वो कुछ खाता है तो उसके लिए अल्लाह का शुक्र अदा करता है, और जब वो कुछ पीता है तो उसके लिए भी अल्लाह का शुक्रगुजार होता है। यानी जब भी आप कुछ खाएं या पिए अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ऐसे बंदे से खुश होता है। ये हदीस है, मैं दोबारा रिवाइज कर रही हूँ, ये आपकी किताब में नहीं है। अल्लाह अपने बंदे से खुश होता है जब वो कुछ खाता और उसके लिए अल्लाह का शुक्र अदा करता है, और जब वो कुछ पीता है तो उसके लिए अल्लाह का शुक्रगुजार होता है। सही मुस्लिम की हदीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन लोगों को ज्यादा अदा किया जाएगा? जी, इसका जवाब, जो शुक्रगुजारी का मुजाहिरा करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो तुम्हें और ज्यादा दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 14 कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है आप लोग सबक नंबर 2 का तफसीली सवाल नंबर 2 की आपने रीडिंग की होगी, क्योंकि रीडिंग करने के बाद ही आप लोग MCQs को सॉल्व कर सकते हैं, आपके कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं। इसकी प्लीज बार बार रीडिंग किया करें, रीडिंग करने के बाद सॉल्विंग शीट देखें तो आपको बहुत ज्यादा समझ आएगी। अपना बहुत ख्याल रखें, फी अमान।